आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में इसमें हम देखेंगे इसके डेफिनेशन थ्योरीज ऑफ इंटरप्रेटिंग क्लाइमैक्स टाइप्स ऑफ क्लाइमैक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमैक्स uh, कम्युनिटी के डेफिनेशन के बारे में तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज डिफाइंड एज फाइनल और स्टेबल कम्युनिटी इन अ सीयर इज दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी और क्लाइमैक्स विजिटेशन क्लाइमैक्स कम्युनिटी को ही क्लाइमैक्स विजिटेशन कहते हैं जो कि एक फाइनल या फिर स्टेबल फॉर्मड कम्युनिटी होती है किसी भी सीयर के चाहे वो हाइड्रो हो चाहे जीरो सीयर हो फिर तो सियर हो तो इन सब में जो सबसे लास्ट फ्रेम कम्युनिटी होगी वही क्या होगी आपका क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी अकॉर्डिंग टू द क्लीमैक्स क्लाइमैक्स हैज दी थ्री प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक सच ऐ यूनिटी स्टेबिलिटी एंड ओरिजिन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन्स ये थ्री जो पॉइंट्स हैं इसके जो हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं अब बात करते हैं कौन कौन से थ्यूरीज जो हैं वो क्लाइमैक्स को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं तो सबसे पहले क्या देर हैव द्री देयर हैव बीन पुट थ्री पॉपुलर थ्यूरी अबाउट द क्लाइमैक्स कॉन्सेप्ट इन दी इकोलॉजी तो फर्स्ट है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, सेकंड है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी और थर्ड है क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस। अब बात कर लेते हैं क्लाइमेक्स uh, के टाइप के बारे में तो क्लाइमेक्स होते हैं क्लाइमेटिक क्लाइमिक्स इडेफिक क्लाइमैक्स कैटेस्ट्रॉफिक डिस क्लाइमेक्स, सब क्लाइमैक्स प्री क्लाइमिक्स और प्लोस्ट क्लाइमिक्स अब बात करते हैं कि क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स क्या होता है ऐसा क्लाइमेक्स जिसका डिटर्मेशन क्लाइमेक्स के द्वारा हो रहा है ये किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर रीजन के अंदर वो क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स हुआ इडेफिक क्या होता है जैसे कि एडेफिक जो है अगर क्लाइमेक्स का डिटर्मेशन सोयल के, के जरिए हो रहा है किसी रीजन में तो इडेफिक हुआ कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स होता है कि क्लाइमेक्स इज वल निरेबल टू मेनी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स सच एज वाइल्ड फायर स्नोफॉल एंड फ्लड्स अगर बात करें डिस क्लाइमेक्स के बारे में तो वेन अ स्टेबल कम्युनिटी विच इज नॉट द क्लाइमेटिक और एन इडेफिक क्लाइमेक्स फॉर द गिवेन साइड इज अ मेन टेन बाई मैन और हिज डोमेस्टिक एनिमल्स सब क्लाइमेक्स होता है द स्टेज इन सक्सेशन जस्ट प्रीसीडिंग द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इफ यू टॉक अबाउट द characteristic of a climax community the main characteristic of the climax communities are as follows first the vegetation is tolerant of the environmental conditions second the vegetation of a climax community will have high ecological amplitude the community possesses a complex food chain system the ecosystem will be balanced and self sustainable the energy used from the sunlight and the energy released after the decomposition will be balanced. So, this is all about the characteristic.